हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाले बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो पिछली वीडियो में स्टूडेंट हमने ध्यान से देखो थोड़ा सा आप यहाँ पे इंसर्ट मेनू के अंतर्गत स्टूडेंट हम लोगों ने बुक मार्क तक हमने ऑप्शंस को कर लिया था। स्टूडेंट ऊपर वाले सारे ऑप्शंस की वीडियो मैंने बना के स्टूडेंट्स अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल के प्ले लिस्ट में जाके लिब्री ऑफिस राइटर में इन सारी वीडियोज को आप वॉच कर सकते हो। ना स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स क्या पढ़ना है आज हम लोगों को। क्रॉस रेफरेंस ना स्टूडेंट्स, क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, आइए इसको सीखते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो तो इसके लिए क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी एक फाइल यहाँ पे बना के रखी है। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे writefile.odt के नाम से फाइल थी हमारी, मैंने इसे ओपन कर दिया। अब देखो मेरे डॉक्यूमेंट पे इस तरीके से कुछ हेडिंग्स यहाँ पे क्या हैं बनाई गई हैं। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये देखो स्टूडेंट्स आपकी यहाँ पे एक पेज के ऊपर कई सारी हेडिंग्स राइट की गई हैं। स्टूडेंट्स मैंने क्या किया यहाँ पे एक पेज ब्रेक लगा दिया कंट्रोल एंटर के साथ। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ऊपर भी एक पेज है और यहाँ पे नीचे भी एक पेज है। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे नीचे वाले पेज पे हूँ, ऊपर भी देखो यहाँ पे मैंने जो पेज लिया था ये ऊपर हमारा है और स्टूडेंट्स उसके नीचे मैंने एक और पेज यहाँ पे बना रखा है। अब मैंने कर्सर भी स्टूडेंट्स ध्यान से देखो मैंने यहीं पे रखा है। बस कर्सर रखने के बाद स्टूडेंट्स ध्यान से देखो मैं इंसर्ट में जा रहा हूँ यहाँ पे और ध्यान से देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है। ध्यान से देखो और मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया है। अभी देखो तो स्टूडेंट्स इस तरह का आपको ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ चुका है, यही है क्रॉस रेफरेंस। स्टूडेंट्स क्रॉस रेफरेंस के अंतर्गत ध्यान से देखो स्टूडेंट्स तो हमारी सारी हेडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। ऑलरेडी हेडिंग यहाँ पे देखो क्रॉस रेफरेंस में सेलेक्टेड हो चुका है। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप ऑफ मेमोरी, इस तरह के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स मैं एक एक करके तीनों के यहाँ पे हेडिंग्स को यहाँ पे ध्यान से देखो सेलेक्टेड है हेडिंग, मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो मैंने पहली हेडिंग को यहाँ पे इंसर्ट किया। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स इसका रेफरेंस नंबर नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैं सेकंड वाले को करूँगा स्टूडेंट्स तो इसका भी रेफरेंस नंबर आगे मिल गया। देखो तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से, और फिर मैंने टाइप ऑफ मेमोरी वाले के रेफरेंस को इंसर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स फिर मैंने इसे क्लोज किया। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स तीन हेडिंग थी जिस पे जा रहा हूँ उसको उसका नाम आपको यहाँ पे देखो तो डिस्प्ले कराया जा रहा है कि ये डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर का रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस हेडिंग नंबर, दूसरे वाले का रेफरेंस हेडिंग नंबर टू यानी टाइप ऑफ यहाँ पे कंप्यूटर। स्टूडेंट्स और ध्यान से देखो नीचे वाला आपको दिखा रहा है टाइप ऑफ मेमोरी वाला जो हेडिंग्स मैंने बनाया था वो। अब इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स रेफरेंस नंबर के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आप जिस जिस हेडिंग का नाम यहाँ पे दिख रहा है उस हेडिंग पे आप जा सकते हो जस्ट क्लिक करने से। स्टूडेंट्स मैं पहले वाले पे क्लिक करता हूँ, आप ध्यान से देखो तो आप पहली वाली हेडिंग्स पे क्या करोगे चले जाओगे। देखो तो मैंने क्लिक किया ऑटोमेटिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर वाली हेडिंग पे आ चुके हैं। स्टूडेंट्स इसी तरीके से मैं अगर थर्ड वाले पे क्लिक करूँगा तो देखो टाइप ऑफ कंप्यूटर वाले पे हैं, नीचे यहाँ पे कोई हेडिंग्स नहीं है स्टूडेंट्स। बट जैसे ही अगला वाला जो रेफरेंस नंबर टू है मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स आप टाइप ऑफ कंप्यूटर वाले हेडिंग्स पे आ चुके हो। सो स्टूडेंट्स आपने देखा है अभी कि क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग मैंने किस तरीके से आपको करके यहाँ पे बताया। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा क्रॉस रेफरेंस को। क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से स्टूडेंट्स आप सभी पैराग्राफ या किसी हेडिंग्स के उसके रेफरेंस को आप इंसर्ट कर सकते हो और जस्ट उस रेफरेंस पे क्लिक करते ही आप उस हेडिंग तक क्या करोगे चले जाओगे। स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन को करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिखाया जा रहा है स्पेशल कैरेक्टर ने। स्टूडेंट्स स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स आओ इसको देखते हैं। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने एक न्यू फाइल यहाँ पे इंसर्ट किया। ओके मैंने एक न्यू फाइल ले रखा है, इंसर्ट में जाऊंगा स्टूडेंट्स। थोड़ा ध्यान से देखो आप यहाँ पे
ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसमें स्पेशल कैरेक्टर के रूप में यहाँ पे सिंबल्स हैं, ठीक है। आप जो भी सिंबल इंसर्ट करोगे ना, वो चीज़ यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो आप यहाँ पे, ये आपका डॉलर साइन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है। जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा, ये इंसर्ट हो जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर। मैं क्लिक करता हूँ, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इसकी साइज़ को थोड़ा इंक्रीज किया। आप ध्यान से देखो ये डॉलर साइन यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है कि नहीं। वैसे ही स्टूडेंट्स, आप स्पेशल कैरेक्टर्स के माध्यम से आप अनेक प्रकार के सिंबल्स को आप यहाँ पे ले सकते हो। सिंबल्स कहाँ पे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो यहाँ पे सिंबल्स हैं, ठीक है। जो भी सिंबल्स आपको चाहिए, उस सिंबल्स आपको इसमें से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। जस्ट क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, उस तरह के फॉन्ट में यहाँ पे ये देखो कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। मैं इसको ऐसे ट्रैक करके ऊपर भी जा सकता हूँ, नीचे तक भी मैं देख सकता हूँ स्टूडेंट्स, जिस तरह का सिंबल मुझे चाहिए मैं उस तरह का सिंबल्स को इसमें से क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ ना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करेंसी साइन को यहाँ पे इंसर्ट किया था। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मुझे कुछ और भी चाहिए, जैसे ये एट द रेट का देखो तो सिंबल कमर्शियल एट इंसर्ट करूँगा, ये भी इंसर्ट हो गया देखो तो स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इंसर्ट का ये आप लोगों को यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर ऑप्शन समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट ऑप्शन को कंटेन करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे आपका फॉर्मेटिंग मार्क। स्टूडेंट्स यदि आप कोई टेक्स्ट राइट करते हो, तो अगर इस तरह के मार्क्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, उसे इंसर्ट कर सकते हो। स्टूडेंट्स दिया है इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने कर्सर यहाँ पे रखा, ठीक है, और मैं कहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जाके ये देखो क्लिक करके पहले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो देखो स्टूडेंट्स नॉन ब्रेकिंग इस तरह का एक स्पेस आपका इसमें लग जाएगा, जैसा कि नाम ही यहाँ पे दिया था आपका। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो तो स्टूडेंट्स क्या दिया था आपका यहाँ पे, इंसर्ट में जाने के बाद फॉर्मेटिंग मार्क में आप जब गए थे, तो इस तरह के सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसमें से क्लिक करने से आपके वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे इंसर्ट हो जा रहे हैं, जैसे कि स्पेस यहाँ पे देखो ब्रेकिंग स्पेस इंसर्ट किया गया था, इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग हाइफन। स्टूडेंट्स देखो अब हाइफन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, देखो तो ये हाइफन का ही तो साइन है। सो स्टूडेंट्स आप इसी तरीके से इसमें से जो जो ऑप्शंस आपका दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मेटिंग मार्क से, उन सभी को आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो ना स्टूडेंट्स। देखो मैंने यहाँ पे स्लैश चाहिए, तो मैं स्लैश वाला भी आपको देखो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। सो स्टूडेंट्स आई होप आपने समझा होगा इसको कि फॉर्मेटिंग मार्क के द्वारा आप इंसर्ट से इस तरह के मार्क को क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने समझा होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, अगला दिया है हॉरिजॉन्टल लाइन। स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। आप देखो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे न्यू पेज लेता हूँ स्टूडेंट्स, और ध्यान से देखो मैंने कुछ भी यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से राइट कर दिया है स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट पे। स्टूडेंट्स सपोज करो कि यहाँ से कि सारी ऊपर वाली लाइन एक ऊपर लाइन में सेपरेट लाइन में इसे दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इसे कर्सर रखूँगा स्टूडेंट्स इंसर्ट में जाके ना। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिकली बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाएंगी। सो मैं क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, देखो तो अभी ये सेपरेटेड हो गया कि नहीं, टेक्स्ट ये यहाँ से ऊपर हो गया। अब ऐसे मुझे एक और आगे चाहिए, तो एक और कर्सर रख के स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट में जाके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे जस्ट क्लिक कर दूंगा स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो एक और लाइन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगी स्टूडेंट्स। आपने समझा अभी हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग हम हॉरिजॉन्टल लाइन को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होती जा रही है। ओके स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने क्रॉस रेफरेंस, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर, फॉर्मेटिंग मार्क और हॉरिजॉन्टल लाइन की इन चारों कमांडों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स, बेल आइकन को हिट कर दीजिए स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट्स कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।